जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विषय वो सारी विषय पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप हमेशा पॉजिटिव रास्ते पर चले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या मैसेज है। आप जिन्हें मानते हैं उनके बारे में सोचिए, उनसे बोलिए कि जो आपके लिए सही है वो पायल आप चुनें, आपको पायल चुनने में मदद करें कि आपके लिए क्या सही है। तो पहले आप उनके बारे में सोचिए जिन्हें भी आप मानते हैं, फिर आप एक पायल चूज़ करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विषय वो सारी विषय पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो, आपकी जो भी पॉजिटिव विशेष है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 11 तारीख, 3 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 19, 21, 25, 28, 9, 6, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है डी, एन, एल, ओ, एन, यू, पी, आई, डी, डी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू, आर, एस, के, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। ए भी हो सकता है, लेकिन डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप किसी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई हाल फिलहाल में आया हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, उनकी मैरिड हो गई हो, या फिर आपकी मैरिड हो गई हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कम बात कर रहे हों, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को पसंद करते हो जो किसी और के साथ रिश्ते में हो, और आपको लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या फिर आप किसी को पसंद करते हो और वो किसी और के साथ रिश्ते में हो, या फिर उनकी शादी हो गई हो, या फिर आप कोई काम करना चाहते हो। हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए कहीं जाना चाहते हो, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और आपकी इंट्यूशन, आपका मन कभी कभी आपसे बोलता भी है कि जो होगा वो अच्छा होगा, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, जैसे ज़िंदगी में खुश रह करके आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो भी होगा वो अच्छा होगा, आपका मन कहता है कभी कभी आपसे। और आप ईश्वर पे बहुत भरोसा रखने वाले हैं, आप कभी भी ईश्वर पे से अपना भरोसा ख़त्म नहीं करते, अच्छा हो या फिर बुरा हो, आपको लगता है ईश्वर ने जो भी किया आपके लिए वो अच्छा ही किया है। हो सकता है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आए, हो सकता है कि शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं था तो इसलिए ये नहीं हुआ। तो इस तरह से आपके मन में कभी कभी बात आती है कि जो होगा देखा जाएगा, जो भी ईश्वर करेंगे वो ईश्वर की मर्जी से होगा तो अच्छा होगा। हो सकता है कि आप लव लाइफ के लिए ये देख रहे हों, तो डियर इसके लिए भी आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है। अगर नहीं छोड़ रखा है, आपका मन कहता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, जैसे
वक्त सही होता है तो सब कुछ सही हो जाता है, ख़राब होता है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपका मन कभी कभी आपसे बोलता है कि वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, ईश्वर जो भी करेंगे वो सब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, एक बार बात तो करनी चाहिए। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि एक बार बात करनी चाहिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अभी किसी के साथ रिश्ते में हैं या फिर वो मैरिड हैं, तो अगर आप उनसे बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात कर रहे थे लेकिन अब बात नहीं हो रही है, तो बहुत उदास रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जब आपका मन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, तो फिर भरोसा करते हो तो फिर खुश क्यों नहीं रहते हो? सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दो ना, फिर टेंशन क्यों नहीं छोड़ते हो? भरोसा तो रखते हो लेकिन टेंशन अपने पास रखते हो। टेंशन भी मेरे ऊपर छोड़ दो, खुश रहो और आप पॉजिटिव सोचो। आपके लिए सही होगा तो आपको मिल जाएगा, आपके लिए नहीं सही होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो डियर, इसी तरह से आपको भरोसा रखना है। आप कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो आप अपना कर्म करते रहिए जो आपको पॉजिटिव लगता है। कुछ लोगों का दिल उनसे बोलता है कि ये काम गलत है, हो सकता है कि वो मैरिड हो या फिर आप मैरिड हो और वो आपसे बात ना कर रहे हो, या फिर आपको खुद लग रहा है कि बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मानता है। एक बार वो बोलता है कि बात नहीं करनी चाहिए लेकिन मन नहीं लगता है तो आप फिर से बात करने लगते हैं। आपको पता बहुत अच्छे से है कि ये सही नहीं है लेकिन फिर भी आप करने लगते हैं। तो डियर, कभी कभी आपका जो दिल है ना वो आपको खुद जवाब देता है, आपकी इंट्यूशन खुद आपको बताती है, लेकिन आप मन के हाथों, आदत के हाथों मजबूर होते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। तो आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो सही बोल रही है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और उसे कम कर देना चाहिए जिसके लिए आपकी आत्मा बोल रही है कि वो सही नहीं है। जो भी काम हो, आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू ईश्वर मैसेज दे रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको मैसेज मिल रहा है कि नहीं करना चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो कोई काम कर रहे हैं या फिर कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है पहले उन्हें सफलता नहीं मिली थी और उन्हें लगता था कि उन्हें अब कभी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद अभी कुछ सीखना बाकी है, शायद अभी कुछ कमी है, शायद अभी कुछ मेरा कर्मा है जिसको भी क्लीन करना बाकी है, शायद अभी हम ईश्वर से दूर हैं, शायद शायद करके वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो डियर, आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आपका जो भी कर्मा था वो क्लीन हो गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ नेगेटिव लोग ही आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका कर्मा है तो ही वो लोग आए हैं, उनका भी तो कुछ कर्मा होता है ना, तो इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो डियर, उससे आपको घबराना नहीं है, आपकी लाइफ में अच्छा बुरा टाइम आता रहता है, उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बढ़ते रहना है। और आप जो भी काम के लिए बढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि क्या होगा अगर इसमें नहीं सक्सेस हुए तो फिर करियर का क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और वो सोच करके आपको सब कुछ अच्छा करना है। लेकिन डियर, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कर्मा नहीं होता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आपके मन में कभी भी कोई नेगेटिव विचार आ रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके दिल में ऐसा है वैसा है, तो आप पहले उस विचार को कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप नेगेटिव विचार हो या कुछ भी हो, आप उसे लिखना शुरू करेंगे ना, तो वो विचार ख़त्म हो जाएंगे। आप उसे मतलब जैसे ख़त्म करने की कोशिश मत करिए कि जैसे ये मन में बात आ रही है अब इस पर नहीं सोचेंगे, अब दूसरी बात सोचेंगे, तो फिर पता है आप थोड़ी देर पॉजिटिव सोचेंगे फिर से आप नेगेटिव सोचेंगे। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना, आपके मन में कोई विचार आया आपको उस पर ध्यान देना है कि ये विचार आया है, आपको उससे बात करनी है और आपको उससे बोलना है कि आप पॉजिटिव
ही अपनी लाइफ में करेंगे, आप पॉजिटिव ही सोचेंगे और नेगेटिव विचार कितना भी मेरे माइंड में आए कुछ नहीं होगा। तो डियर आपको उसको कॉपी पे लिखना है, जब आप कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे तो वो विचार अपने आप गायब हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही थी, ये सब तो ऐसी बातें, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो फिर उसको आपको हटा देना अपनी ज़िंदगी से और आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन तो ज़रूर करना है। और अगर आप मतलब कुछ भी करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव ऊर्जा होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है आसपास का, जैसे बहुत सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग हमसे बहुत जलने वाले होते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की नेगेटिव ऊर्जा होती है जो पॉजिटिव काम को करने नहीं देती है। आप कुछ अच्छा करते हैं लेकिन वो काम ख़राब हो जाता है और आप कुछ समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए डियर आपको अपनी जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपका ऑरा है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कोई प्रॉब्लम ना पहुँचा सके, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को नुकसान ना कर सके। समझ रहे हैं? जैसे आपकी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा खुद होनी चाहिए ताकि नेगेटिव ऊर्जा से कभी आप प्रभावित ना हो, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा से कम ना हो। तो इसके लिए आपको डेली गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, या फिर जो भी आप मंत्र जाप करते हो उसका जाप करिए और सूर्य देव जी को, सूर्य भगवान जी को अर्घ जरूर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जब भी उठते हैं, आप अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जब भी सूर्य भगवान को देखा करें या फिर आप खुले आसमान के नीचे कभी भी आया करें तो आप सूर्य भगवान जी को हाथ जोड़ करके पहले उनसे जो भी मतलब कहते हैं ना कि कोई गलती हो गई है, दिन भर में कोई गलती हो गई है या कुछ भी है या आपको नहीं भी पता है, तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, उन्हें प्रणाम करना है और उन्हें थैंक यू बोलना है कि आप निस्वार्थ सबको रोशनी देते हैं, अब जो लेना चाहे वो ले ले और जो ना लेना चाहे तो वो गेट बंद करके अंधेरे में बैठा रहे। तो आपको उनको थैंक यू बोलना है कि वो किसी को अच्छा बुरा देख करके रोशनी नहीं देते, एक बराबर सभी को देते, एक बराबर प्रेम करते हैं। तो आपको उनसे थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपको भी गले से लगा रखा है, वो आपके लिए भी रोज़ निकलते हैं, आपको नई रोशनी देते हैं, आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा लेकर के आते हैं। तो आपको उनको थैंक यू बोलना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो हमेशा आपके साथ रहें, आपकी जो भी आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा होती है उसे क्लीन करते रहें। क्योंकि जब हम सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं या फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वो हमारी नेगेटिव ऊर्जा को कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। आपको पता है सूर्य भगवान जी को जल देने से बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो आप अगर कर सके तो ये ज़रूर किया करें, बिना मतलब बिना स्वार्थ के किया करें, जैसे वो बिना मतलब बिना स्वार्थ के सबको रोशनी देते हैं, तो इसी तरह से आप उनसे बिना मतलब के भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप कभी भी ये ज़रूर किया करें, आप उनसे बातें किया करें, उन्हें नमस्कार किया करें और अपनी ज़िंदगी में नए रंग, नया सवेरा की कामना किया करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, जो भी लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो आपसे दूर होने लगेंगे या फिर उनकी सोच बदलने लगेगी। और कुछ लोग हैं जो किसी अपने से ही धोखा बहुत खाते हैं, उनके करीबी हैं, उनकी फैमिली में है या फिर उनके रिलेटिव हैं या फिर उनके आसपास रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे ही अपनी बातें शेयर कर देते हैं, सारी बातें शेयर कर देते हैं, अपनी भी शेयर कर देते हैं, अपने पार्टनर की भी कर देते हैं या फिर अपने काम की भी कर देते हैं, अच्छा बुरा जो भी टाइम उनकी लाइफ में चलता है वो सब कुछ बता देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलना चाहते, बहुत कुछ करना चाहते, लेकिन वो मतलब उनके अंदर चालाकियाँ नहीं है,
आप जैसे हैं, आपके अंदर चालाकियाँ नहीं है, आप अपनी सारी बातें उनसे बता देते हैं, शेयर कर देते हैं, आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप सब कुछ उन्हें बता देते हैं। तो डियर ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके अपने बनने का दावा कर रहे हैं वही आपकी अच्छाइयों से छिड़ते हैं, वही आपसे जलते हैं। वो आपके होने का दावा तो करते हैं कि वो आपके हैं, आपके दुख से आपके सुख से उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक उनका मतलब है तब तक वो आपके लिए खूब करेंगे, आपके लिए खूब करेंगे, आप उनसे जब बात करेंगे तब वो बात करेंगे, लेकिन जब उनका मतलब नहीं होगा तो डियर वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। और ऐसा आपके साथ हो भी चुका है, एक बार नहीं कई बार हो चुका है, आपको अपनों से ही धोखा मिला है। तो डियर आपको इसलिए धोखा मिलता है ताकि आप समझ सके, कभी भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपका अपना बन करके आता है तो आप उसे खुली आंखों से देख सके, क्या वो सच में आपका अपना है या फिर बनने का दिखावा कर रहा है। तो डियर प्लीज़ आप थोड़ा समझदारी से काम किया करें। कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर को ही सारी बातें बता देते हैं, उन पर भरोसा करने लगते हैं, अपने घर की भी सारी बातें बता देते हैं, पूरी मतलब डिटेल दे देते हैं, आज क्या खाया, आज क्या पिया, आज कहाँ जा रहे, आज क्या कर रहे, आज घर में क्या हो रहा है, आज घर में अच्छा टाइम है कि बुरा टाइम है, सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ। कुछ लोगों ने तो सब कुछ बता भी दिया था और अब उनसे बात नहीं हो रही है, लेकिन वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उन लोगों ने उनको बता दिया था लेकिन वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन्हें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इस बार का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी को ये बात बताते हैं, अभी ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में नहीं है तो आपको नहीं बताना है, आपको उनसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करनी है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, आपको ज़्यादा किसी से नहीं बताना है। और आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना है कि कौन आपका अपना है कौन आपका अपना नहीं है, क्योंकि अभी लोग आपके अपने बन रहे हैं, लेकिन जब आपको बुरा टाइम आएगा या फिर आपको बहुत ज़रूरत होगी किसी अपने की तो वो आपके साथ नहीं होंगे, आप उस समय अकेलापन महसूस करेंगे। तो इसलिए आपको अभी से संभल जाना है ताकि आगे चल के आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों ने बता दिया है उन्हें ब्लैकमेल कोई कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, ये बात तो हमें नहीं बतानी चाहिए थी, आपने बता दिया है, तो आपको ज़्यादा डरने की कोशिश, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको उनसे डर कर बात नहीं करनी है। ये कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको बहुत कुछ बोल रहे हों, बहुत कुछ सुना रहे हों, तो ज़्यादा उनसे डर करके बात नहीं करनी है। और आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा मतलब अच्छे घर से नहीं हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सके, अगर आप फीमेल हैं तो डियर आपको कमज़ोर नहीं समझना है, खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो आप कर सकेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इस बार आपको स्टेबल बनाना चाहते हैं ताकि आप स्टेबल हों, कोई आपकी लाइफ में ज़्यादा दखलंदाजी ना करे, आप खुद की इच्छाएं, खुद की आवश्यकताएं खुद पूरी कर सके, आपको ये लगे कि आप किसी के मोहताज नहीं है, आप किसी के मतलब जैसे होता है ना कि मुझे तो अपनी खुशियों के लिए भी दूसरों से पूछना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक कदम बढ़ेंगे अपने करियर की ओर तो करियर आपके पास खुद चल के भी आ जाएगा। तो इसके लिए डियर पहले आपको अपनी शुरुआत करनी है, आपको खुद सोचना है कि 1% 2% भी किस काम में आपका इंटरेस्ट है, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आपको क्या पसंद है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो डियर आप कोशिश करिए आपके आसपास कोई भी काम हो या फिर कोई काम सीखने वाला हो वो आप कर सकते हैं, कि पहले आप सीखें फिर आप कुछ कर सकें। तो इस बार आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप कहीं भी हों थोड़ा सा कोशिश करें। कभी कभी अपने करियर के लिए लोगों से लड़ना भी पड़ जाता है,
कहना भी पड़ जाता है, जिद भी करनी पड़ जाती है। तो प्लीज़ डियर, थोड़ी सी अच्छे काम के लिए आप जिद करेंगे, लड़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर अभी आप अपने करियर के लिए ध्यान देंगे तो आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो अचानक से हो गया। तो डियर, इसके लिए आपको थोड़ी सी लड़ाई भी करनी पड़ेगी, अच्छे बुरे लोगों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइम आप अपने करियर पे ध्यान देते हैं, कुछ अपने लिए करने के बारे में सोचते हैं, तो डियर आप कर सकेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं कि हो सकता है कि आप ज़्यादा अच्छे ना हों, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, या फिर मतलब कुछ कमी हो, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो जिससे लोग आपको बहुत सुनाते हैं, या फिर खुद आपको अच्छा नहीं लगता है कि मुझ में ये कमी है। जैसे कभी कभी होता है ना कि खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि या मुझ मैं ऐसी हूँ या फिर ऐसा हूँ, मैं ज़्यादा पढ़े नहीं हूँ, ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है, या फिर ज़्यादा मैं स्टेबल नहीं हूँ, या फिर मेरे घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, या फिर मेरा बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं है, मेरे घर के लोग अच्छे नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो मम्मी पापा हैं शायद वो नहीं हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या फिर वो हों और उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली में या फिर भाई बहन ने या फिर किसी ने भी शादी कर ली हो, या फिर कुछ ऐसा काम जो समाज से हट कर हो, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता हो। तो इस वर्ग का आपके लिए मैसेज है कि आपको लोगों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों पे ध्यान देंगे तो खुद पे कभी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको लोगों से ध्यान हटा करके खुद पे ध्यान देना है। जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जो हैं वो कभी कुछ नहीं करते हैं, और जो लोग अच्छा सोचते हैं वो कभी लोगों की गिनती में नहीं आते हैं, वो लोगों की गिनती में नहीं आते हैं, वो अपने परमात्मा के गाइडर होते हैं जो आपके लिए भेजे गए होते हैं, वो आपके दिल के करीब होते हैं, वो आपके होते हैं। आपकी लाइफ में अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पैसों से मदद करे या फिर किसी तरह से भी मदद करे, वो आपको अपने शब्दों से ही इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो डियर, आपको ज़्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि जिन लोगों ने ऐसा कर लिया है शायद उनकी उसमें खुशी होगी, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कर लिया है। या जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप जैसे ज़्यादा वक्त के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पाए, इस वजह से आपको किसी से धोखा मिला है, या फिर हो सकता है कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पर्सन ने आपसे बात की हो, फिर आपको उल्टा सीधा कुछ भी सुना दिया हो, आपको छोड़ दिया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या फिर आपकी फैमिली की वजह से आपको कुछ सुना करके चले गए हो, तो आपको ज़्यादा उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वो कुछ आपको सिखाने आए थे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर अपनी लाइफ में नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव भी कर जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए और ख़ुद को पॉजिटिव करने के लिए ढूंढिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए, उनकी बातों में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढिए और उनके पीछे ही भागिए पूरी ज़िंदगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने का मतलब कि आप उनके पीछे ही भागे। तो आपको उनके पीछे नहीं भागना है, आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना है। आपको सोचना है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए हैं, ताकि लोग मुझे अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, खुद पे ध्यान देना है और घर वालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे मतलब होता है ना कि घर वाले लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर जो लोग नेगेटिव कह रहे हैं उनकी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको उनकी बातों पे ध्यान देना है और आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। आपको ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ अलग करने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप में कुछ कमी है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप जब मोटिवेट
अगर आप खुद को मोटिवेट करना चाहते होंगे तो आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो पढ़े भी नहीं हैं, उनका घर भी अच्छा नहीं था, उनके घर में कोई इतना कोई अच्छा इंसान भी नहीं था जो उन्हें ऐसे रास्तों पे बता सकता कि आप इस रास्ते पे चलो, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आपको पता है भीमराव अंबेडकर जी जो थे, आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे दुनिया में, आपको पता है हमारे हमें बहुत सारे ऐसे मोटिवेट करने वाले लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग कर गए, किसी का साथ भी नहीं था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, अच्छे लोग भी नहीं थे जो अच्छे शब्द बोल सकते। तो इसी तरह से आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लोगों की बातों से आपको ये नहीं सोचना है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होना होगा होगा, अच्छा हो या फिर बुरा हो, ये नहीं सोचना है आपको। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं दीप हूँ, हमेशा जलता रहूँगा, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। आपको पता है जब तक दीप एक बार में नहीं बुझता है, लड़ता रहता ना हवाओं से। तो आपको वही सोचना है कि मैं दीप हूँ अंत तक जलता रहूँगा प्रलय की आंधियों से, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको हार नहीं मानना है, सिर्फ आपको समझना है कि आपके लिए क्या सही है। ईश्वर आपको बहुत सक्सेस मुकाम देना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी ना, पहले तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा ना, फिर आपको किसी न किसी रूप में परमात्मा नज़र आने लगेंगे। जब आप बढ़ेंगे आगे अपने करियर की तरफ या फिर अपनी खुशियों की तरफ, तो आपको हर एक इंसान में जो आपको बहुत मोटिवेट कर जाते हैं, जिनसे आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, उसमें आपको परमात्मा नज़र आने लगेंगे। आप उनसे बोलें या फिर ना बोलें, लेकिन आपको लगेगा कि ईश्वर के रूप में ये मिले। तो आपको हम बताएं, अभी हम जब गए थे शांति कुंज, गए थे ध्यान करने, गए थे तो वहाँ पे रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा हम कम देखते हैं, जैसे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, भागते रहते ना, तो रोड क्रॉस कर रहे थे। आपको बताएं, अचानक से अभी उनकी याद आ गई, तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे और एक कार आ रही थी, बहुत स्पीड में आ रही थी, उसे हमने देखा नहीं था कि दिखी नहीं थी, अब पता नहीं है, ठीक है। और वो कार आ रही थी और एकदम से टक्कर लग गई, पर हमें कुछ हुआ नहीं। हाँ, और आपको बताएं, पता नहीं कहाँ से एक लड़का था, वो आया, उसने बात की और उसने कहा कि कहाँ जा रही थी आप, मतलब इतना, और उसमें ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुदेव थे कि परमात्मा थे, ऐसा जैसे बिल्कुल लगा, बाद में भी ऐसा लगा। और उसकी जैसे अचानक से याद आती है तो सिर्फ परमात्मा के हिसाब से याद आती है, कि ईश्वर तो नहीं आ सकते ना, कि जैसे कृष्ण जी तो नहीं आ सकते ना बंसी लेके आ जाए और बोले कि क्या हुआ, ठीक हो, कैसे गिर गए, क्या हो गया था, ऐसे कृष्ण जी तो नहीं आ सकते ना, माँ तो नहीं आ सकती ना, पर वो किसी ना किसी रूप में आती हैं। तो इसी तरह से ईश्वर आपके हर कदम पे आपके साथ है, लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी में आगे चलना पड़ेगा। जब आप शुरुआत करेंगे किसी ना किसी चीज़ की, तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग हैं जो कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, वो स्टेबल भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, घर वालों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, उन्हें लगता है कि अच्छा हो या फिर बुरा हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ जो होते हैं वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए, या फिर रोड साइड डॉगी के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी आ गई है तो सभी लोग को मिलकर ही देखना पड़ेगा ना। जैसे आप हैं तो आप अपने आसपास डॉगियों को देखेंगे, हम हैं तो हम अपने आसपास डॉगियों को देखेंगे। तो इसी तरह से कुछ लोग हैं जो अपने आसपास के डॉगियों के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके पानी की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि कैसे करें, किसे बात करें, क्या करें, वो सोचते हैं कि शायद कोई चैरिटी होगी उसमें डोनेशन कर देंगे तो शायद वो लोग कर देंगे। तो
ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप ये मत सोचिए कि कैसे करें, इनके नाम पे किसी को दे दे वो खिला देंगे नहीं, कि वो इन्हें पानी दे देंगे, क्या करें। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप एक घंटा उन्हें दीजिए, एक घंटे का टाइम दीजिए, समझ रहे हैं आप, एक घंटे का आप उन्हें टाइम दीजिए और एक घंटे में जितने डॉगी आपको मिलते हैं उनके पानी की व्यवस्था कर दीजिए और जितना आपसे हो सके उतने आप उनको भोजन दे दीजिए। आप उन्हें पैसा कम दीजिए लेकिन आप उन्हें एक घंटे का टाइम दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें एक घंटे का टाइम देंगे, एक घंटे में उन्हें आप पानी देंगे या फिर कहीं पे भी आप पानी रखने की व्यवस्था कर देंगे, तो पता है जब एक बार पता चल जाता है किसी भी डॉगी को या फिर किसी भी जानवर को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पानी मिलता है ना, तो जब भी उसे प्यास लगती है तो वो वहाँ आके पानी पी लेता है, इतना उन्हें भी पता होता है। तो आप उनके पानी की व्यवस्था पहले करिए, आप थोड़े से शुरुआत करिए, जैसे आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, कुछ डॉगियों के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं घर से या फिर बाहर से कहीं से भी, जो भी आप कर सके, तो पहले आप थोड़ा करिए, जितना आपके पास टाइम है आप पहले उतना शुरुआत करिए। धीरे धीरे आपको वैसे लोग मिलने लगेंगे, जब आप थोड़ा सा काम शुरू करेंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, आपसे मोटिवेट होंगे कि अरे आप पानी देते हैं डॉगियों को, आप बिस्किट देते हैं, आप उन्हें भोजन देते हैं, तो आपसे मोटिवेट होके कुछ लोग होंगे। अगर आपको 100 लोग देख रहे हैं, आप डेली भोजन दे रहे हैं, रोज़ 10 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं आपको, या फिर वो देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने रखा है ये जानवरों के पानी पीने के लिए, तो वो आपको देख रहे हैं, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि आपको देख करके कुछ लोग होंगे उनमें से भी जो मोटिवेट होंगे और आपको देख करके 2 डॉगी 3 डॉगी 4 डॉगी को तो पानी भोजन वो भी देंगे। तो आप कुछ डॉगियों को दे रहे हैं, आपको देख करके कुछ लोग और डॉगियों को दे रहे हैं, तो इससे आप समझ रहे हैं काम आपका ही हो रहा है लेकिन लोग अपने आप से करना शुरू कर दे रहे हैं, जो आप चाहते थे वो काम शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा शुरुआत करिए, वो काम को जो आप करना चाहते हैं, किसी भी तरह का काम हो, अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने आसपास कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप उसकी शुरुआत करिए, जितना आपके पास टाइम है पहले आप उतनी शुरुआत करिए, फिर वो काम कब वो बढ़ते बढ़ते बड़ा बन जाएगा और आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा करिए, इस बार आपके साथ है, वो आपके काम को सक्सेस मुकाम तक पहुंचा कर ही ख़त्म करेंगे, सक्सेस मुकाम तक ही पहुंचाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो आप थोड़ी सी शुरुआत करिए, इस बार आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहते हैं, और आपकी जो इंट्यूशन कहती है उसे आप ज़रूर सुना करिए। आपकी इंट्यूशन बहुत पॉजिटिव है और आप दूसरों के लिए भी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव ही रहना। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सोच लो आपको क्या करना है। जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, ऑप्शन नंबर 2। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर हम पहले बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। डियर ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 1 तारीख, 7 तारीख, 18, 17, 16, 7, 12, 13, 21, 20, 30, 27, 5।
ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की। ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है, लेकिन डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर ये तीनों चीज़ें आपसे नहीं मैच होती है तो भी आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है TRINCLEHONGY भी हो सकता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर, और बहुत स्ट्रांग जो है वो एस है, एस और ए बी भी हो सकता है। ठीक है डियर, अगर आपसे ये तीनों चीज़ें नहीं मैच होती हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, आपको वीडियो देखना है, वीडियो की जो बातें हैं वो आपसे अगर मैच होती हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर डियर आपसे ये पाइल नहीं मैच हो रहा है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं, लेकिन डियर आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। आपको सब कुछ मिले जो आपकी पॉजिटिव विशेस है। डियर आपके इस पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं? कुछ लोग हैं जो अभी बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। कुछ लोग हैं जो अपने रिश्ते की वजह से बहुत टूटे हुए हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं। उनकी लाइफ में पहले भी कोई रिश्ते में था, उससे उन्हें मतलब धोखा ही मिला, या फिर वो रिश्ता बहुत अच्छे से चला नहीं, किसी और की वजह से टूट गया। या फिर कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनकी फैमिली की वजह से आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छे से नहीं चला, फैमिली की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। तो आपने सोचा कि अब आप किसी के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आप किसी से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आपने सोचा कि अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप खुद पे ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद पे भरोसा करेंगे। आपको लगने लगा कि कोई किसी का नहीं होता है, शायद हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आपको लगने लगा था कि कोई आपके लिए नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि जब आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, आप शादी हो गई हो आपकी, वहाँ से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, काफ़ी पुराना रिश्ता होगा आपका, साल होगा, 2 साल होगा इस तरह से, तो डियर आपको उससे धोखा मिला, काफ़ी टाइम लगा आपको खुद को संभालने में, काफ़ी टाइम लगा आपको खुद को संभालने में, लेकिन आप संभल गए। फिर आपके लाइफ में कोई आया। कुछ लोग हैं जो अभी भी सैड एनर्जी में हैं, इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। उनकी ज़िंदगी में कोई आया, उनसे बड़ी बड़ी बातें करने लगे, मेल हो या फिर फीमेल हो, बड़ी बड़ी बातें की कि होता है ऐसा ऐसा आपकी लाइफ में जो भी हुआ। हो सकता है कि अगर वो इसलिए आपके साथ ऐसा कर रहे थे क्योंकि उन्हें आपकी लाइफ से जाना था। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं जाते तो हम कैसे आपकी लाइफ में आते, आप हमारे कैसे होते, हम आपके कैसे होते, मतलब बहुत प्यार भरी बातें। आपको भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये हमारे सोलमेट हैं या फिर हमारे ट्विन हैं, इन्हें हमारी ज़िंदगी में आना था, ईश्वर ने सही पार्टनर इन्हें हमारा बनाया है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से बाहर गए हैं, इसलिए वो आपको धोखा दे रहे थे। तो आपको जब इस बातों पे भरोसा हुआ, आपको धीरे धीरे इनसे प्यार हुआ, इनकी बातों से आप इनके हुए, पहले इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली हो तो आपने मना कर दिया हो, लेकिन जब धीरे धीरे इनकी बातों ने आपको अपना बनाया तो फिर आप इनके हो गए। लेकिन कुछ महीने बाद या फिर कुछ साल बाद इन्होंने भी धोखा दिया, आपके सामने जैसे कुछ शर्तें रख दी जो आप मान नहीं सकते थे, आपकी मजबूरी हो गई कि आपको ख़त्म करना था रिश्ता। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो पहले आपसे बहुत बातें बोलते थे कि वो आपके हैं, आपके ही होंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अचानक से वो आपसे दूर हो गए, आपसे बात करना कम करने लगे, और फिर आपको
कुछ बताते भी नहीं थे, जब आपकी आदत हो गई उनसे बात करना, तो फिर उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया और उन्होंने आपको मजबूरी बता दी कि उनकी शादी उनकी फैमिली वालों की मर्जी से होगी। उनकी फैमिली जहाँ कहे कि वो वहाँ शादी करेंगे, वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे, वो अपनी फैमिली वालों से बात भी नहीं कर रहे आपके रिश्ते की। तो आप बहुत टूटे हुए हैं, आप बहुत रो रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग समझा भी रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो बाहरी लोग समझाते हैं ना, उस वक्त कह तो देते हाँ ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड भी है ना, कि आप अंदर से बहुत टूट जाते हैं लेकिन कभी बाहर नहीं दिखाते, क्योंकि आप बचपन से ही बहुत चीज़ों को देखते हुए आए हैं। रिश्तों में भी आपको धोखे मिले हैं, लेकिन कुछ बचपने होते हैं ना, जो खेल कूद के गुजरते हैं, अच्छी संगत से गुजरते हैं, अच्छे माहौल में गुजरते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी आपको जिम्मेदारियों को समझना पड़ा, आपको अच्छा बुरा समझना पड़ा, आपको किन चीज़ों के लिए जिद करना है कि नहीं करना है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बचपन में ही समझ में आ गई थी। आप जैसे बचपन में ही बहुत बड़े हो गए थे, तो आपने कम उम्र से ही अपने घर का भार संभाला होगा, या खुद को संभाला होगा, या फिर किसी की ऐसी जिम्मेदारी होगी जो आपने बचपन से ही संभाला है। तो आपको बचपन से लेके अभी तक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला है, कुछ टाइम के लिए मिला है, आपको लगा है कि हाँ ये आपके सपोर्ट करेंगे पूरी ज़िंदगी के लिए करेंगे, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, आप इनके साथ ज़िंदगी भर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसमें धोखा मिला है। कुछ लोग मैरिड हैं जिन्होंने मतलब अपने फैमिली वालों के लिए कर ली थी शादी, लेकिन ये रिश्ता अच्छा नहीं चला तो आपने छोड़ दिया है। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप अपने कर्मों का जो सर्कल होता है ना, साइकिल, उसे आप पूरा करने आए हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए खुशियाँ आती हैं, आप इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, कुछ पल के लिए अच्छे लोग आते हैं, फिर वो खुद ही बदल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे थे नहीं, लगता नहीं था, ये बदल गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपके कार्मिक हैं, जो आपका बुरे कर्मों का हिसाब किताब जो बाकी था, या फिर उनका आपसे बाकी था, तो इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आए थे। हो सकता है कि उनका आप पे बाकी हो, तो वो कुछ पल के लिए आपको खुशी देने आए थे, और जब उनका कर्म पूरा हो गया तो वो फिर चले गए, उनका जो आगे कर्म बाकी है उसे पूरा करने। तो आपको पॉजिटिव लेना है खुद के लिए, और आपको ये सोचना है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है ना, वो बहुत कठिन होती है, वो बहुत कठिन होती है। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप डेली मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, बहुत धार्मिक टाइप के हों, ऐसा नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं, और वो हमेशा कैसा भी टाइम हो, कभी किसी के साथ बुरा करने के लिए नहीं सोचते हैं, कभी किसी के साथ बुरा करते भी नहीं हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोल होते हैं, मास्टर सोल होते हैं। तो आप वही हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, दुख हो सुख हो, कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, लेकिन आपको उम्र से ज़्यादा ज्ञान है ज़िंदगी का, अच्छा बुरा अनुभव आपके पास है, लोग कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की बातें करते जब मतलब होता है, तो आपको ज़िंदगी का ज्ञान बहुत है। तो इस वर्क आपके लिए मैसेज है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव होते हैं, जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये कभी बदल नहीं सकते हैं, या फिर ये आपसे मतलब से जुड़ने आए हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक बार कोई इंसान गलत हो सकता है, अगर पहले कोई इंसान गलत आया था तो दोबारा गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन की भी सुना करें, ज़्यादा बहका ना करें किसी की बातों में। आप मासूम हैं, आप लोगों के साथ गलत नहीं करते, लेकिन आपके जैसे सभी लोग नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दिया करें, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है।
कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए, ये इंसान गलत हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो ये अपना जो भी कार्मिक रिश्ता होता है उसे ख़त्म करने आते हैं, पूरा करने आते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका ये बर्थ जो है ये लास्ट बर्थ हो सकता है इस दुनिया में, क्योंकि आपने ही ईश्वर से हो सकता है कि बोला हो कि आप इस दुनिया में जाएंगे तो अपना कर्म पूरा करने जाएंगे और ईश्वर का काम करने जाएंगे, कोई नया कर्म आप नहीं बनाएंगे। इसीलिए ना आप किसी के साथ बुरा करते हैं, ना किसी के साथ आपका ज़्यादा लॉन्ग टाइम रिश्ता चलता है कि आप मोह माया में बंध जाएं, फिर आप उनके वजह से इस दुनिया में फिर बार 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 आते जाते रहें। तो इसलिए बहुत सारे लोगों से आपके जो बहुत स्ट्रांग रिश्ते बन जाते तो वो टूट जाते, वो इसीलिए टूट जाते ताकि आपका मोह माया जो है वो ख़त्म होता रहे, इस दुनिया से मोह ख़त्म रहे आपका, आपको लगने लगे कि अब आपको इस दुनिया में नहीं आना है, आपका जो भी कर्म है उसे आप इसी जन्म में पूरा करके चले जाएंगे। तो डियर, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में आखिरी जन्म लेकर आए हैं, उन्हें अब इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मास्टर सोल हैं जो एंजल्स बन जाते हैं, फिर दूसरे सोल की मदद करते हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो डियर, आप वही हैं, तो ये आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आते हैं वो आपके साथ अपना कर्म पूरा करने आते हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव सिखाने आते हैं ताकि आप ज़िंदगी में आगे किसी को बता सके, किसी को नया रास्ता जीने का दिखा सके, इसलिए ऐसा आपके साथ हो रहा है। और आपके साथ ही इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है कि आपकी उतनी उम्र भी नहीं होती, उससे पहले ही उससे बड़ा ज्ञान आपको मिल जाता, उससे पहले ही उससे बड़ा अनुभव आपके पास आ जाता है, तो वो इसलिए होता है ताकि आप अपने से भी ज़्यादा बड़े उम्र वालों को समझा सके, उन्हें ज़िंदगी का नया रास्ता दिखा सके। अगर वो ज़िंदगी से हारे हुए हैं तो उन्हें आप समझा सके कि इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हारना नहीं है और आपको ईश्वर पे भरोसा ऐसे ही बना कर रखना है। ईश्वर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग हैं जो मैरिड थे लेकिन अभी वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, खुद पे भरोसा करना है, खुद के बारे में सोचना है। तो आप अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं तो डियर, आपको आपके करियर सक्सेस मिलने वाली है। आप कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर कोई जैसे कोई काम सीख रहे हो, आप सोचते हैं कि ये काम सीख लेंगे फिर आप खुद का बिजनेस करेंगे, तो डियर उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको आपके करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन डियर थोड़ा समझदारी के साथ, ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। आप बहुत इमोशनल हैं, आपसे अगर कोई रो कर बात करता है, कोई प्यार से बात करता है, आप तुरंत बहक जाते हैं, तुरंत आप अपना रास्ता भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके पार्टनर उनसे अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन जब उन्हें मतलब होता है तो वो आते हैं, आपसे बहुत प्यार से बातें करते हैं, आपको थोड़ा बहुत अच्छा बोल देते हैं, जैसे कि आपने उन्हें जो भी बताया तो वो सही बताया था, सही तो बताया होता है, लेकिन वो आपकी बातों को थोड़ा सा आपको मनाने के लिए बोल देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं, ऐसा उनके दिल में कुछ होता नहीं, धोखे के हिसाब से। तो ज़्यादा आप किसी की बातों में ना आया करें, कोई आपसे रो के बोल रहा है या फिर बहुत इमोशनल होकर बोल रहा है तो आप तुरंत बहक जाते हैं, तुरंत उनकी बातों में आ जाते, भरोसा कर लेते, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके तरीके से आपसे बात करते हैं ताकि आप उसी तरीके से मान जाएंगे, उन पे ज़्यादा शक नहीं करेंगे, उन्हें अपना लेंगे और फिर वो आपका इस्तेमाल करेंगे, फिर वो आपको धोखा देंगे, फिर वो आपको छोड़ कर जाएंगे, जब उन्हें फिर मतलब पड़ेगा फिर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आपको अपने करियर पे ध्यान देना है और अपने बारे में सोचना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनका रिश्ता टूटा हुआ है, तो ईश्वर का उनके लिए मैसेज है कि प्यार कभी धोखा नहीं देता, लेकिन जो धोखे वाला प्यार होता है तो वो प्यार ही नहीं होता ना। तो आपको प्यार से भरोसा नहीं उठाना है, आपको ये नहीं कहना है कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि प्यार धोखेबाज होता है, प्यार धोखा देता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ भी हो प्यार तो करना ही नहीं है, प्यार के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। तो ईश्वर ने आपके लिए आपका सोलमेट भेजा है, कुछ लोगों के ट्विन हैं लेकिन कुछ लोगों के फ्रेंड हैं,
जो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और कोई कुछ भी बोले लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ते, तो डियर वो आपके सच्चे पार्टनर हैं। लेकिन अभी वो आपको बता नहीं पा रहे, या फिर आपको फील नहीं हो रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि सबसे अच्छे तो ये आपके फ्रेंड है, या फिर हो सकता है कोई आपका ऐसा रिलेटिव हो, तो डियर वो आपके सोलमेट हैं। वो आपके आगे चल करके जैसे आप करियर में बहुत सक्सेस हासिल कर लेंगे, हर कदम पे वो आपका साथ देंगे, तो वो आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं, जो उनसे बात करते हैं, मतलब के लिए बात करते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं आपका दिल दिमाग, आपकी आत्मा आपसे कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये आपसे मतलब से जुड़े हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके ही पीछे भाग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप किसे धोखा दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं कि फिर उन्हें दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हमारे अंदर आत्मा है वही परमात्मा है, और हम जानते हुए भी धोखा दे रहे हैं, गलत इंसान के पीछे भाग रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और आप इस सैड एनर्जी से निकलिए। आप और डियर आप सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि ईश्वर आपके पास रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि जब आप बहुत उदास होते हैं, बहुत रोते हैं, ईश्वर से बातें करते हैं, तो आपको जैसे लगता है कि आपकी बॉडी जो है वो कंपन कर रही है, जैसे एकदम से कांप गई, तो ईश्वर आपसे बोलते हैं। एंजल्स का मैसेज है, ईश्वर का मैसेज है कि वो ईश्वर और एंजल्स का ये मैसेज है कि वो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप रोते हैं, तो वो हमेशा आपके पास रहते हैं। अचानक से आपके पास कोई बटरफ्लाई आ जाती है या फिर कोई पंख आ जाता है, तो आप समझ लीजिए, या फिर आप बहुत रो रहे हैं, या फिर आप बहुत टेंशन में हैं, अचानक से आपको कोई रिपीटेड नंबर दिखता है जिसे आप समझते हैं कि ये ईश्वर का साइन है, एंजल्स का साइन है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके हमेशा पास हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहते, आपके पास रहते, आपसे कभी दूर नहीं जाते, और आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको अगर मिल जाएगा तो फिर आप अच्छा और बुरा कैसे जान पाएंगे, कौन अच्छा है कौन बुरा है आप कैसे समझ पाएंगे। तो ये अनुभव कराने के लिए, आप किसी दूसरे को जीने का मार्ग दिखा सके, इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। क्योंकि आपको अपना भी काम करना है और ईश्वर का भी काम करना है, तो इसलिए डियर, क्योंकि क्या होता है, ईश्वर कभी इस दुनिया में खुद नहीं आते हैं, जैसे मतलब खुद नहीं आते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान जी के रूप में आ जाए, इस तरह से नहीं आते। आपको वो अपना काम करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी से हारे हुए हैं, जो बहुत उदास रहते हैं, लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा बना कर रखते हैं। तो ईश्वर का काम करने के लिए आप आए हैं, ताकि आप और लोगों को रास्ता दिखा सके। तो इस तरह से आपको अनुभव होना ज़रूरी है, ताकि आप उन्हें सही से रास्ता दिखा सके ज़िंदगी जीने का। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, और आपको हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, और ईश्वर का काम आपको करना है। अभी आपको सब कुछ सिखा रहे थे ईश्वर, आपको बता रहे थे, ताकि आप समझ सके और आगे लोगों को जीने का रास्ता दिखा सके। तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी की डोर ईश्वर ने पकड़ रखी है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, कभी आप अकेले नहीं हैं। जो दुनिया के लोग हैं ये आपके साथ हों या ना हो, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। आपने सुना है ना कि जग रूठे तो रूठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। खुद की नज़रों में हमें नहीं गिरना है, ईश्वर हमारे हमसे ना रूठे और हम खुद की नज़रों में कभी ना गिरे, बस यही बहुत है। आप दुनिया को खुश नहीं रख सकते ना, जो लोग हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, या फिर कोई आपका
रिश्ता है जो आपको बहुत कुछ गलत बोल करके रिश्ता ख़त्म करके चले जाते हैं, तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है। आप हर किसी को सफाई पेश मत करिए कि आप सही हैं कि नहीं सही हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब मत बताइए। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको सही समझते हैं, बस यही बहुत है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। कुछ भी कोई कहे आप इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि उनके लिए कभी कोई बना है कि नहीं बना है, तो डियर आपके लिए बने हैं, सही टाइम आने पे वो आपको मिल जाएंगे। जो लोग आपको समझते नहीं हैं, ये सब लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। और कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनकी फैमिली बहुत परेशान है, वो खुद नहीं चाहते शादी करना, जैसे घर वाले बहुत परेशान होते हैं शादी के लिए, और आपको लगता है एज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग भी बहुत सुना रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। ईश्वर जब करते हैं ना तो चुटकियों में हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया। तो इसी तरह से आपके साथ चमत्कार होने वाला है। कुछ लोगों की शादी इसी साल हो जाएगी, इसी साल हो जाएगी, आप समझ रहे हैं? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो सोलमेट है वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो जाए फिर आपको दुख मिले, आप बहुत टेंशन में रहें कि आपके लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हैं, वो आपको समझते नहीं हैं। एक तो देर से शादी हुई, वो भी वो आपको समझते नहीं हैं। पहले आप वहाँ परेशान थे, फिर आप शादी के बाद पहले आप शादी से पहले परेशान थे, फिर शादी के बाद परेशान हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी। आप सोचेंगे देर से हुआ लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। तो डियर, आपकी ज़िंदगी की डोर ईश्वर ने थाम रखी है। लोग परेशान हो रहे, थोड़ा सा होने दीजिए, लेकिन ईश्वर जब चाहेंगे तो आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, उनकी फैमिली जाने नहीं दे रहे, तो आपको निराश नहीं होना है, आप जा सकेंगे, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, थोड़ा सा देर से सही, लेकिन आपकी फैमिली मान जाएगी। कुछ लोगों के फैमिली वाले हैं जो उनकी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या फिर आपने हो सकता है बात ना की हो, डर रहे हैं आप, तो अगर आप उनसे बात करेंगे और उन्हें थोड़ा सा टाइम देंगे, ज़्यादा ज़िद नहीं करेंगे, तो वो आपके रिश्ते के लिए मान जाएंगे, कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, वो आपकी शादी के लिए मान जाएंगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप पॉजिटिव हैं लेकिन आपके आसपास लोग नेगेटिव हैं, आपको समझ में ही नहीं आता, आप कुछ भी अच्छा करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करना के लिए सोचते हैं वो गलत हो जाता है, लोग आपके बारे में गलत सोच लेते हैं, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो लोग उसे गलत नज़रिए से देख लेते हैं। तो आपके आसपास जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, तो आप को ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देना है, और आप जो भी करते हैं उसे थोड़ा सा, जैसे पॉजिटिव तो रहते ही आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए आप कपूर जो होता है उसे अपने ऊपर से घुमा करके आप कहीं बाहर जला सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके आसपास नेगेटिविटी है या फिर आपका ऑरा और स्ट्रांग होगा, तो इस को करने से आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो आप ये कर सकते हैं, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि इतना सब कुछ सब लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, जैसे सब लोग ठीक है फिर भी अचानक से कोई बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते, तो इसके लिए आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और कुछ लोगों को अपने घर में शांति पाठ कराना चाहिए, कोई हवन कराना चाहिए, गायत्री जी का भी आप हवन करा सकते घर पे। तो ये इस बार का आपके लिए मैसेज है कि आप अपने घर में कोई हवन टाइप, जैसे कोई भी आप हवन खुद भी कर सकते हैं, बाहर से पंडित जी को बुला के करा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर में जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो और ज़्यादा संचार होगी, और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन होगी। तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर पंडित जी को बुला करके भी करवा सकते हैं, तो आपको ये ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ज़्यादा उम्र के भी नहीं है फिर भी वो बीमार रहते हैं, कोई
ऐसा मतलब जैसे होता है ना, बहुत लोग खाने पीने की वजह से बीमार हो जाते हैं, ऐसा कुछ आप लोग खाते भी नहीं है फिर भी बीमार रहते, बहुत ज़्यादा ही बीमार रहते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं, आपको समझ भी नहीं आता, और बाद में आप सोचते हैं कि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी और लड़ाई इतनी हो गई, तो फिर इसके लिए आपको पॉजिटिव काम करने चाहिए, या फिर आप अपने घर में खुद ही कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो गंगा जल ले करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके सेंधा वाला जो व्रत में खाया जाता है, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी घर की जो नेगेटिविटी होती है वो क्लीन होती है, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, उसे क्लीन करने के लिए आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो उन्हें बिजनेस में कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान रहते हैं, वो पहले भी कोई बिजनेस कर चुके हैं, कोई जॉब कर चुके हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हो सकता है कोई आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप हो सकता है मेडिटेशन भी करते हों, तो इस वजह से आपकी फैमिली वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा है, आप अपनी फैमिली वालों से अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इसलिए आपको हर चीज़ समझ में आती है कि ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, तो आप ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए पॉजिटिव काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप जैसे पॉजिटिव हैं ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी से ख़त्म होती है, तो इसलिए आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव काम करिए, मेडिटेशन करिए, जप करिए, और जो भी है उसे ठीक करने की कोशिश करिए। ईश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। सोच लो आपको क्या करना है, ठीक है, मगर जैसा आपका दिल कहता है, जैसी आपकी आत्मा करती है, आप वही करना, ठीक है, आप अपना ध्यान ज़रूर रखना। जय श्री कृष्णा।